शादी की वीडियोग्राफी के लिए कौन सी चीजें अहम होती हैं और आजकल मार्केट में क्या इन है? आजकल ना बड़ा फास्ट कंटेंट का दौर आ गया। फास्ट कंटेंट इन सेंस के आपको याद होगा हम खबरनामा सुनते थे, चाहिए, लेकिन आज हम हेडलाइंस देखते हैं सिर्फ, चाहिए। तो बड़ी स्पीड का कंटेंट आजकल आ गया। आजकल पहले ड्रामे बनते थे 20-20 एपिसोड्स के, 25 एपिसोड्स के, आज बनते हैं मिनी सीरीज़ के नाम से 9-9, 8-8 एपिसोड पे। तो फास्ट कंटेंट का दौर है। तो इसी तरीके से वेडिंग में भी यही जो है ना एक ट्रेंड आया है नया कि आप लोग पूरी पूरी शादियों की वीडियोस कोई नहीं देखता, दो दो घंटे की, अब वो देखते हैं हाइलाइट्स। सही है। अब हाइलाइट्स क्या है? हाइलाइट्स जो है ना एक ब्यूटी शॉट पे बेस्ड एक वीडियो है जो कि 2-3 मिनट की है। सही है, क्योंकि वो इजी हो जाती है, छोटी फॉर्मेट में हो जाती है, सब लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप करके भेज देते हैं, देख लेते हैं उसका, और क्योंकि ड्यूरेशन कम होने की वजह से वो इजी फाइल हो जाती है उसकी। अच्छा, हाइलाइट्स बनती है ऐसे हैं कि इसमें बहुत सारे ब्यूटी शॉट्स और टेक्निक्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आप स्लोमो, एक स्लो मोशन एक टेक्निक है, सही है, वो आप करते हैं। अगर आप इस तरीके का, फॉर एग्जांपल, आजकल तो हर कैमरा के अंदर है, सही है, 60 फ्रेम्स तो इजीली सारे कैमराज में है आजकल लेटेस्ट वाले, अगर नहीं भी है तो आप उसको शूट कर लें एटलीस्ट उस तरीके से जो कि आप एडिट में अपने पास उसको स्लो मोशन में कन्वर्ट करवा लें। एक उसमें बड़ी एक बैक शॉट होता है, एक दूसरे को देखने के मूवमेंट्स होते हैं, मूवमेंट्स आप बहुत सारे ऐड करें उसमें ना, बेसिकली वॉकिंग मूवमेंट हो गया, फैमिली के मीट एंड ग्रीट के मूवमेंट हो गए, दूल्हा दुल्हन से लोग दोस्त आके मिलते हैं, वो बड़े अच्छे मूवमेंट्स निकलते हैं। कोई सेलिब्रिटी आ गया, कोई नोन पर्सन आ गया, उनके मिलने के मोमेंट्स आप ऐड करते हैं, बहुत सारे हैं, वो सारे जो अच्छे मोमेंट्स हैं एक, वो सारे गैदर करके आप 2-3 मिनट में, इनफैक्ट आजकल तो लोग हमें 1-1 मिनट का बोलते हैं कि 1-1 मिनट की हाईलाइट बना दें, तो वो 1-1 मिनट की जो है ना वो, या 2-3 मिनट की आप हाईलाइट की वीडियो बनाएं, वो बहुत अच्छी लगती है और वही आजकल ट्रेंड में। अच्छा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ना, जब आप शूट कर लें उसके बाद आप क्लाइंट के साथ इन टच तो होते हैं। आप शादी के जो और मेहंदी का, शादी का और वलीमे के सॉन्ग्स हैं ना, वो आप क्लाइंट की सिलेक्शन पहले करवा लें। वो इसलिए कि कोई भी चीज़ एडिट होने से पहले ना उसका म्यूज़िक होता है, एडिट की एक कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनमें म्यूज़िक आपके पास पहले होना चाहिए, उसके बाद ही वो एडिट होता है। तो आप पहले जब आपके पास सॉन्ग्स होंगे तभी आप उसकी हाईलाइट की वीडियोज़ उस सॉन्ग के ऊपर उस तरीके से एडिट कर सकेंगे, क्योंकि वो एडिट जो होती है वो सॉन्ग की बीट पे एडिट होती है बेसिकली। तो वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप पहले से क्लाइंट से जो है ना डिस्कस करके वो सॉन्ग सिलेक्शन कर लें मेहंदी के, शादी के और वलीमे के, ताकि वो आपके पास पहले से ही होने चाहिए।